ओम पावका न वती यज्ञ वस्तु धिया वासु नमस्तभाभ्य प्रिय शिक्षार्थियों एन आई ओ एस के स्टूडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है आज हम पुनः उच्चतर माध्यमिक कक्षा के वेदाध्ययनम पाठ्यक्रम के अंतर्गत पुस्तक क्रमांक दो का षोडश पाठ इंद्र सूक्तम के नाम से है उसके भाग दो का अध्ययन करेंगे मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र सहायक आचार्य श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय श्री विहार पुरी से आप सबके बीच उपस्थित हूँ इस कक्षा में हम इंद्र सूक्तम के मंत्र संख्या छः से दस तक का अध्ययन करेंगे उसमें प्रथम मंत्र है मंत्र संख्या छ हरि ओम अयोध्य दुर्मद आहि तुविबाधम मीर तुबाधम रिजीषम नाता दमृतिम वहां समृजाप्यश इंद्रशत्रु ये मूल संहिता का पाठ हुआ इसका पदपाठ देखते हैं अयोध्या इव दुहु मद आु महवीर तुविबाधम ऋजीषम न अतारीत अस्य सम ऋतिम सम समान पिपिशे इंद्र शत्रु यह इसका पदपाठ हुआ इसका भावार्थ देखते हैं वृत्रासुर ने संपूर्ण लोक में उसके समान योद्धा कोई नहीं है ऐसा विचार कर महान पराक्रमी शत्रु संहार करता इंद्र का आह्वान किया इंद्र संबंधी जो भी शत्रुवध इत्यादि कर्म हैं उन वध कर्मों को वह असुर पूर्व में न जान सका और स्वयं भी इंद्र के द्वारा मारे जाने पर आवरक के समान नदी में गिरकर नदीस्थ जल पाषाणादि खंडों को चूर्ण कर दिया यह इसका अर्थ है अग्रिम मंत्र की ओर हम चलते हैं अग्रिम मंत्र है अपादहस्तो अप्रतन्यदिंद्रमा वज्रमया निजघा न वृष्णो वही प्रतिमानं वभृशन मुक्वा वृत्रे अशयद वृत्र पुनः हम इस मंत्र को एक बार और पढ़ते हैं अपदह हस्त अपृतन्यन्द्रमा वज्रमधिषा नौ जघान वृष्णो वध्रि प्रतिमा बुभूषण पुरुत्रा वृत्रो अशयद व्यस्ता यह मूल संहिता का पाठ हुआ इसका पदपाठ देखते हैं अपाद अहस्ता अपृतन्यत इंद्र आ अस्य वज्रम अधि सानौ जघान वृष्णि वध्रि प्रतिम बुभूषण वि विअस्ता ऐसा इसका पदपाठ है मंत्र के भावार्थ को मैं देखता हूँ जिस प्रकार वीरहीन व्यक्ति वीर्यवान व्यक्ति की समानता करना चाहता है उसी प्रकार हस्त व पाद से रहित वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने को उद्यत हुआ इंद्र ने इस वृत्र के पर्वत समान स्कंधों पर वज्र प्रहार किया और वृत्र इंद्र के प्रहार से क्षत विक्षत होकर भूमि पे गिर गया इस मंत्र का यह अर्थ हुआ अग्रिम मंत्र की ओर हम चलते हैं ओ नदी भिन्नमूया शयानम मनोरुहा अतिपहा यश्चद्वृत्रो महिना पर्यतिष्ठत्ता यह अग्रिम मंत्र है मूल संहिता का पाठ इसके पश्चात हम पदपाठ की ओर अग्रसर होंगे इस मंत्र का पदपाठ इस प्रकार है नदम न भिन्नम शयानम मन रूहाणा अति यन्ति आपह यहाँ चित्त वृत्र महीना परिअतिष्ठत ताी बभूव इस मंत्र का यह पदपाठ हुआ मंत्र के भावार्थ को हम विचार करते हैं मंत्र में कहा गया है कि मानव मन को रमणीय जल जो कि वृत्र के जीवित रहते समय वृत्र के द्वारा अवरुद्ध किए जाने से पृथ्वी में वर्षा के रूप में प्राप्त नहीं हो पाते हैं वही जल वर्षा ऋतु में जैसे नदियाँ अपनी सीमाएँ लांघकर कर बहने लगती हैं उसी प्रकार भूमि पर मृत पड़े वृत्र को उल्लंघित कर बहने लगती हैं इस मंत्र में उपमा का प्रदर्शन किया गया है जैसे वर्षा ऋतु में नदियाँ अपनी सीमाएं को लांग कर बहती हैं यह उपमा है वो जल नीचे भूमि पर मृत पड़े हुए वृत्रासुर को उसी प्रकार उल्लंघित करके बहने लगती हैं जो जल वृत्र के जीवित रहते हुए वृत्र के द्वारा अवरुद्ध किए जाने से पृथ्वी में वर्षा के रूप में प्राप्त नहीं हो पाते हैं ऐसा इस मंत्र में कहा गया है अग्रिम मंत्र की ओर हम चलते हैं अग्रिम मंत्र है नीचावया अस्या अववर्धजवार उत्तरासूरधर पुत्र आसीदानुशा न धेनु मंत्र है मंत्र का मूल पाठ संपन्न हुआ इसके बाद हम पदपाठ की ओर चलते हैं प्रस्तुत मंत्र का पदपाठ इस प्रकार है नीचावया अभवत वृत्रपुत्रा इंद्र अव वधः जभार उत्तर सुहु अधेनु प्रस्तुत मंत्र का पदपाठ इस प्रकार होता है मंत्र के अर्थ को हम विचार करते हैं इस मंत्र में वृत्र के माता के द्वारा वृत्र के ऊपर प्रहार से रक्षा की चर्चा की गई है मंत्र में कहा गया कि वृत्र की माता नीचे भूमि पर गिरे हुए पुत्र की इंद्र प्रहार से रक्षा के लिए वृत्र के शरीर के ऊपर तिरयक मुद्रा में सो गई तब इंद्र Ministry ने वृत्र की माता के नीचे अपने वज्र से प्रहार किया जो वृत्र की माता के नीचे वृत्र था उस वृत्र के ऊपर इंद्र ने वज्र से प्रहार किया उस समय माता ऊपर और पुत्र उसके नीचे था तत्पश्चात जैसे गौ अपने बछड़े के साथ शयन करती है उसी प्रकार वह वृत्र माता भी वृत्र के साथ चिरनिद्रा निद्रा में सो गई अर्थात वृत्र की रक्षा के लिए उसके शरीर के ऊपर उसकी माता रक्षक बनकर के पड़ी हुई थी किंतु इंद्र ने वृत्र के ऊपर ऐसा वज्र प्रहार किया कि वृत्र के साथ उसकी माता भी चिरनिद्रा में सो गई प्रस्तुत मंत्र में इस प्रकार चर्चा किया गया है अग्रिम मंत्र की ओर हम चलते हैं अग्रिम मंत्र है अतिष्ठती नमिवेश काम मध्य निहित शरीरम वृत्रस्त निण्यम विचर चापो दीर्घंतम आशयदींद्रशत्रु इस प्रकार मूल संहिता का पाठ किया जाता है इसके पदपाठ की ओर हम चलते हैं पदपाठ में इस प्रकार पाठ किया जाता है अतिष्ठना अनिवेशा का मध्ये निहत शरीर वृत्र से निण्यम विचरती आपहा दीर्घं तम अशयत इंद्रशत्रु यह प्रस्तुत मंत्र का पदपाठ हुआ इसके पश्चात हम इस मंत्र के अर्थ की ओर चलते हैं जो कि इस प्रकार है मंत्र में वर्णन किया गया है कि स्थितिशून्य रहित जल मध्य निहित और नाम रहित वृत्र के मृत शरीर के ऊपर जल बहता जा रहा है तथा इंद्रशत्रु वृत्र चिरनिद्रा में सोया हुआ है भावार्थ यह हुआ कि इंद्र के द्वारा वध किए जाने के पश्चात वृत्रासुर पृथ्वी पर गिर करके चिरनिद्रा में विलीन है और उस वैसी अवस्था में उसकी कोई स्थिति भी नहीं है और वह भाव से अभिन्न है उसके अंत में कोई तत्व विद्यमान नहीं है और जल के मध्य में जैसे कोई पाषाण खंड पड़ा रहता है उसी प्रकार वृत्रासरु का शरीर भी जो कि मृत शरीर है वह पड़ा हुआ है और उसके ऊपर से जल बहता जा रहा है यह इस मंत्र का भावार्थ हुआ इस प्रकार आज इस पाठ में इतना ही धन्यवाद पुनः अग्रिम भाग में हम उपस्थित होंगे धन्यवाद